जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इस छोटे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 13th चैप्टर प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी में प्रश्नावली 13.3 शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग बेज थ्योरम देखेंगे, बेज प्रमेय देखेंगे और देखें प्रायिकता से संबंधित बेज प्रमेय है क्या। आप समझ लीजिए कि दो घटनाएं हैं और दो घटनाएं अलग अलग हो रही हैं। जैसे सपोज कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अगर दो थैले हैं, पहला थैला है और दूसरा थैला है, दोनों थैलों में कुछ सामान रखा गया है और उसमें, अब देखिए पहले थैले का दूसरे थैले से कोई संबंध नहीं है और सपोज कीजिए पहले थैले में से कोई सामान निकाला गया है तो उस सामान के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, ये जो है यहाँ से बेज थ्योरम से ज्ञात किया जाता है। जब इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये बेज थ्योरम कैसे अप्लाई होगा। इस तरह से हम आपको केवल एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा, इस पर आधारित जब एक क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल प्रश्नावली 13.3, तो इसको आप याद रखे रहिएगा कि सपोज कीजिए दो घटनाएं E1 और E2 अलग अलग स्थितियों में हो रही हैं। पहली स्थिति ए है, पहली स्थिति जो है अगर हम कहें तो पहली स्थिति ए है और जो अलग अलग इवेंट हैं, अगर पहला इवेंट E1 है और दूसरा इवेंट E2 है तो पहली घटना से अवयव प्राप्त होने की जो प्रायिकता होती है वो P E1 / A। तो एक बात आपको याद रखना है, फार्मूले में ये बेज थ्योरम हमेशा चेंज होता रहता है और जैसा सवाल होता है सवाल के ही अनुसार ये चेंज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब यहाँ E1 होगा तो यहाँ भी E1 होगा और अगर यहाँ E2 हो जाए तो यहाँ E2 हो जाएगा। तो अगर दो घटनाएं हो रही हैं तो P E1 / A = ये हो जाएगा आपका P E1 × PA / E1 हो जाएगा P, और आपको A / E1 मालूम है, ये जो है 100% प्रायिकता होती है जिसको हम लोग पिछली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। तो ये जो है, और फिर नीचे वही PE1 × PA / E1 + PE2 × PA / E2, कभी कभी तीन घटनाएं होती हैं साथ में, तो जब तीन घटनाएं होंगी तो यहां पर प्लस PE3 PA / E3, चार भी घटनाएं हो सकती हैं, पांच भी घटनाएं हो सकती हैं, n घटनाएं हो सकती हैं, तो जितनी घटनाएं होंगी उनके हिसाब से ये जो बेज प्रमेय है यह बेज प्रमेय अप्लाई होगा अलग अलग स्थितियों में। तो इस प्रकार जो है, चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बेज थ्योरम पे। एक कलश में, कोई कलश है जिसमें 5 लाल और 5 काली गेंदे हैं। ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है ये क्वेश्चन। एक कलश है, देखिए एक कलश है और इस कलश में 5 लाल, देखिए 5 रेड, 5 लाल और 5 काली, 5 ब्लैक गेंदे हैं। समझना है क्वेश्चन को, थोड़ा सा वो टेक्निकल है ये। यादृच्छया एक गेंद निकाली जाती है, ये जो कलश है इस कलश में
देखें, इस कलश में 5 लाल रंग की और 5 काले रंग की गेदे हैं। यादृच्छया एक गेद निकाली जाती, इसमें से कोई एक गेद या तो रेड कलर की या तो ब्लैक कलर की कोई एक गेद जो है इसमें से निकाली जाती है। इसका रंग नोट कर लिया गया, मतलब सपोज कीजिए रेड कलर का इसमें से निकाला गया है तो उसका कलर नोट कर लिया गया कि किस कलर का इसमें से गेंद निकाली गई थी। नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है, मतलब एक गेंद इसमें से निकाली गई, वो जिस रंग की थी उस रंग को नोट कर लिया गया और फिर इस गेंद को इसमें रख दिया गया। और फिर क्या, पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी गई। जिस रंग की गेंद निकाली गई थी उसी रंग का 2 अतिरिक्त गेंदें और इसमें रख दी गई। तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। अब देखिए कलश में से फिर एक गेंद निकाली जाती है तो दूसरी गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता होगी? क्वेश्चन को एक बार फिर बढ़िया से पढ़ लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए, तभी पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तब जाकर के आप इसका जवाब दे पाएंगे। एक कलश है जिसमें 5 लाल रंग की और 5 काले रंग की गेंदे हैं, इसमें से अट्रेंडम कोई एक गेंद निकाला जाता है तो जिस रंग की गेंद निकाली जाती है उस रंग को नोट कर लिया जाता है और इसके बाद इस गेंद को उसी कलश में डाल दिया जाता है। और यही नहीं, उसके साथ साथ उसी रंग का 2 गेंद और डाल दिया जाता है। तो पहली बार तो एक गेंद निकाली गई और फिर कहा जा रहा है कि दूसरी गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी और इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरी गेंद जो है लाल होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो देखिए एक बात मैं बता दूं, जब यहां पर एक कलश है तो वेज थ्योरम नहीं लगेगा। अगर यही 2 कलश दिया होता ना, ये वेज थ्योरम अप्लाई तब होता है जब 2 घटनाएं असंयुक्त हों। असंयुक्त का मतलब एक घटना अलग हो रही है और दूसरी घटना अलग हो रही है, इस घटना का इस घटना से कोई संबंध ना हो, तब जाकर के वेज थ्योरम अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर तो केवल एक ही कलश है इसलिए यहाँ वेज थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। अब जरा देखें आप, 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। सपोज कीजिए पहले हमने इसमें कहा जा रहा है कि कोई एक गेंद निकाली जाती है पहले। सपोज कीजिए हम एक गेंद निकालते हैं और पहली गेंद जो है लाल रंग की है, तो पहली गेंद लाल रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी ये हम देखेंगे। पहले पहली गेंद के लाल रंग की होने की प्रायिकता, क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियां बटा में कुल परिस्थितियां, यानी लाल गेंदों की संख्या बटा में कुल गेंदों की संख्या। तो अब देखिए लाल गेंदों की संख्या है 5 और बटा में कुल गेंदों की संख्या 5 × 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब यहां से जो है इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब सुनिए, पहली गेंद अगर लाल प्राप्त हुई तो पहली गेंद लाल प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। लेकिन आपसे कहा जा रहा है पहली गेंद लाल रंग की थी
अब जिस रंग की गेंद निकाल ली गई उस गेंद को तो इसमें रखा ही गया है, दो ठे और गेंद इसी में उसी रंग का डाल दिया गया। तो जब पांच लाल गेंद थी, लाल गेंद लाल रंग का एक गेंद निकाले और फिर उस गेंद को इसमें रख दिए, यानी कुल मिलाकर के इसके अंदर पांच ही गेंद हैं, लेकिन लाल रंग की अलग से दो गेंद इसमें हम डाल दिए। तो मान लीजिए पहली बार निकाले तो पहली बार में ही लाल रंग आ गया, तो लाल रंग प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 हो गई। दो बार निकालना है, प्रश्न में दिया है कि इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि दूसरी बार निकाली गई गेंद जो है लाल ही होगी। तो पहली बार निकाले तो सपोज कीजिए लाल हो गया, अब मान लीजिए अब दूसरी बार भी हम निकाले तो दूसरी बार निकाले तो दूसरी बार भी लाल ही रंग की गेंद निकल गई, तो दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, दूसरी गेंद लाल रंग की होने की प्रायिकता। तो अब देखिए क्या था, पहले तो पांच लाल गेंद थी लेकिन अब दो गेंद और मिला दी गई तो सात हो गई। तो अनुकूल परिस्थितियां सात हो गई, अब बटा में कुल परिस्थितियां यानी कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या हो गई 12। तो देखिए अब यहां पर क्या निकाला गया है, आपसे पूछा जा रहा है दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो सपोज कीजिए पहली गेंद निकाले तो लाल निकला, दूसरी गेंद भी लाले निकल गया। अब मान लीजिए एक और कंडीशन हो सकता है कि हम पहली गेंद निकालें और पहली बार में काली गेंद निकल गई होती तो क्या हुआ होता, तो पहली बार में काली पहली गेंद काले रंग के होने की प्रायिकता क्या हो गई, पहली गेंद काली होने की प्रायिकता, काली होने की प्रायिकता। तो पहली गेंद काली होने की, पहली बार देखिए पहली बार निकाला गया था तो संयोग से लाल निकल गया था, अब मान लीजिए पहली बार निकाला जाता तो लाल नहीं निकलता, अगर काला निकल जाता तो क्या होता, तो अगर पहली बार में काला हो जाता तो अनुकूल परिस्थितियां बटा में कुल परिस्थितियां, तो काले रंग की जो गेंद थी वो पांच थी और कुल गेंदों की संख्या 5 + 5 = 10 हो जाएगी, यानी ये भी हो जाएगी 1/2। यानी पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता भी 1/2 और पहली गेंद अगर काली होती तो भी उसकी प्रायिकता होती 1/2। लेकिन क्या कहा गया था, पहली गेंद अगर काली है तो उसके रंग को नोट कर लिया जाता है, रंग नोट कर लिया गया, और अब क्या किया गया, फिर उसी रंग की यानी जिस रंग की गेंद निकाली गई थी उसी रंग की दो गेंद और डाल दी गई, तो दो गेंद और डाल दी गई यानी ब्लैक कलर की दो गेंद और डाल दी गई। लेकिन प्रश्न में कहा गया है दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, तो दूसरी गेंद अब लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो दूसरी गेंद के लाल रंग की होने की प्रायिकता देखिए क्या होगी, अब अनुकूल परिस्थितियां बटा में कुल परिस्थितियां, तो अब लाल रंग की कितनी गेंदें हैं, पांच, और टोटल कुल कितनी गेंदें हैं, तो कुल गेंदों की संख्या है 12। तो ये हो जाएगा 5/12। जरा ध्यान समझ लीजिए, आपसे पूछा जा रहा था कि दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी,
तो अलग अलग संभावनाएं हैं। मान लीजिए पहली गेंद भी लाल हो जाती तो पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता 1/2। मान लीजिए दूसरी बात गेंद निकालते और वो भी लाल हो जाती तो दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता 7/12। लेकिन अगर पहली गेंद काली हो गई होती तो पहली गेंद काली हो जाती तो काली होने की प्रायिकता 1/2। लेकिन दूसरी बार में लाल ही पाना है आपको तो दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता हो जाएगी 5/12। तो अब जो है कुल मिलाकर के प्रायिकता पूछी जा रही है, अतः दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता, ये दूसरी गेंद ये अलग अलग निकाला गया है, अलग अलग कंडीशन निकाली गई है। तो अब यहाँ पर संपूर्ण प्रायिकता निकाली जाएगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं PR। PR का मतलब दूसरी गेंद, या बल्कि हम PR2 भी यहाँ लिख सकते हैं, दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जानते हैं हम क्या करेंगे, ये दोनों स्थितियाँ आ सकती हैं। देखिए ये स्थिति हो सकती है, पहले वाली भी स्थिति हो सकती है। तो पहले वाली स्थिति हो जाएगी 1/2, दूसरी स्थिति यानी पहली दूसरी स्थिति हो जाएगी, और फिर जब दूसरी वाली बाद वाली स्थिति आएगी तो बाद वाली स्थिति आएगी तो इनको हम जोड़ देते हैं टोटल प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और ये हो जाएगा आपका 5/12। फिर क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 7/12, 2×24 हो गया, और ये हो गया 5/24। जोड़ दीजिए तो 7×5 = 12, 12/12 हो जाएगा 24। फिर इसको आप कटा देंगे तो इसको कटाने के बाद आ जाएगा आपका 1/2, यानी दूसरी गेंद के, तो इस प्रकार जो है दूसरी गेंद के लाल होने की जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी। और ये पहला क्वेश्चन जो था ये बेज थ्योरम पे आधारित नहीं था, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया आप सबको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की क्या स्थिति है। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, और एक अन्य थैले में, देखिए अब यहाँ 2 थैले हो गए, अलग अलग थैले हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर बेज थ्योरम लगेगा। अगर 2 घटनाएं अलग अलग हो रही हो, पहली घटना से दूसरी घटना का कोई संबंध नहीं है, तो उस स्थिति में बेज थ्योरम जो होता है वो अप्लाई होता है। तो अब देखिए 2 थैले हैं, यहां हम दिखा देते हैं थैलों को ताकि क्लियर रहे। एक थैला ये है और फिर दूसरा जो थैला है ये, दूसरा थैला ये है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। देखिए 4 लाल, 4 जो है रेड कलर की हैं और 4 जो हैं ब्लैक कलर की हैं, और एक अन्य थैले में, दूसरा थैला है, दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। 2 लाल, 2 रेड और 6 जो है ब्लैक है, काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना गया। अब समझिए ये जो दोनों थैले हैं ना, अब इन दोनों थैलों में से किसी एक थैला को चुना गया, समझिएगा ध्यान से, दोनों थैलों में से किसी एक थैले को चुना गया। और फिर उसके बाद पहला काम तो ये है कि दोनों थैलों में से एक थैले का सिलेक्शन करना है, और जब थैले का सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, जिसका आपने सिलेक्शन कर लिया उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है।
वह गिद्ध जो है लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई थी? तो अब देखिए यहां पर ए जो है वह हमारे अनुकूल परिस्थिति को दिखाता है। अनुकूल परिस्थिति का मतलब हमको गेंद लाल प्राप्त करना था। देखिए यह कहा जा रहा है कि इस बात की देखिए दो शर्तें कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि जो गेंद निकाली गई थी वो लाल रंग की थी, ये पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है कि उस लाल रंग की गेंद को पहले ही थैले से निकाला गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे P(E)(1)/A की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। E1 का मतलब दोनों थैलों में से किसी एक थैले को पसंद करना, और A का मतलब उस थैले में से लाल रंग प्राप्त होना। अब ये समझ लीजिए, प्रश्न में यही कहा जा रहा था कि इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि पहले थैले में से गेंद निकाली जाएगी और वह गेंद लाल रंग की होगी। इसको आप समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो ये देखना है कि दोनों थैलों में से किसी एक थैले का सिलेक्शन करना है। तो अगर हम पहले थैले का सिलेक्शन करेंगे तो पहले थैले के सिलेक्शन करने की प्रायिकता PE1। तो कितने का सिलेक्शन कर रहे हैं? एक का सिलेक्शन कर रहे हैं हम। एक का सिलेक्शन कर रहे हैं, अनुकूल परिस्थिति एक है। और कितने में से कर रहे हैं? तो कुल मिलाकर दो थैले हैं। तो दो थैले में से एक थैले का सिलेक्शन करने की प्रायिकता, दो में से एक नहीं पहला थैला, दो थैलों में से पहले थैले की सिलेक्शन करने की प्रायिकता 1/2 होगी। अब अगर दूसरा थैला हम सेलेक्ट कर लिए तो दूसरे थैले को सेलेक्ट करने की जो प्रायिकता होगी वो PE2 हो जाएगी। PE2 तो दूसरा, अगर दूसरा थैला भी हम सेलेक्ट करें तो सेलेक्ट तो हमको एक ही थैला करना है। तो एक थैले को हमने सेलेक्ट कर लिया और कुल थैलों की संख्या है दो, यानी दोनों थैलों में से किसी एक थैले को, किसी एक थैले को सेलेक्ट करने की जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी। और फिर क्या कहा जा रहा है? अब आपसे ये कहा जा रहा है कि वो गेंद लाल ही होगी, गेंद लाल ही होगी। इसका मतलब कि अब हमको PE1 निकालना है, यानी पहले थैले में से E1 का मतलब पहले थैला और A का मतलब लाल रंग, यानी पहले थैले में से लाल रंग की प्रायिकता। PE1 का मतलब पहले थैले में से लाल रंग की प्रायिकता। तो पहले थैले में कितने लाल रंग हैं? 4। और टोटल रंग कितने हैं? 8। तो ये हो गया आपका 1/2, यानी पहले थैले में से लाल रंग की गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अब दूसरे गेंद में से लाल रंग की प्रायिकता, दूसरे थैले में से लाल रंग की गेंद की प्रायिकता ये हो जाएगी PE2। क्या मतलब? E2 का मतलब दूसरे थैले का सिलेक्शन, और दूसरे थैले में से A का मतलब लाल रंग की गेंद प्राप्त होना। तो अब देखिए दूसरे थैले में लाल रंग की गेंदे हैं दो, और कुल गेंदों की संख्या 2 × 6 = 8 है। 2 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 1/4। अब इतना अगर निकल गया तो फिर वेज थ्योरम को बड़ी हम अप्लाई आसानी से अप्लाई कर देंगे। तो अब हो जाएगा PE1/A। इसका मतलब हुआ पहली थैले में से एक गेंद लाल रंग के निकालने की प्रायिकता।
प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो गेंद निकाली गई थी वो लाल रंग की थी और उसको पहले थैले से ही निकाला गया था। तो अब देखिए PE1 की वैल्यू है 1/2, PA अपान E1 की वैल्यू, PA अपान E1 की वैल्यू भी 1/2 अपान PE1 1/2, PA अपान E1 ये भी 1/2, PE2 भी 1/2, PE2 1/2 और PA अपान E2 ये है आपका 1/4। अब इसको हम सॉल्व करें, PE1 अपान A इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/4 और यहाँ देखें 1/4 प्लस 1/8 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करें, ये हो गया आपका 1/4, यहाँ एलसीएम ले लीजिए 8, तो फिर ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 हो जाएगा और 8 × 1 = 8 = 1 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 1/4 अपॉन 3/8। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, सॉल्व करेंगे 8 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, कट कर दीजिए 4 से, तो 4 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 2/3। यानी आपसे पूछा गया है PE1 अपान A की वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपकी 2/3। मतलब कि इस बात की प्रायिकता कि निकाली जाने वाली जो गेंद है वो लाल रंग की होगी और उस गेंद को पहली ही थैले से निकाला गया, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/3, यानी 3 में से 2 का चांस मिलेगा हमको कि वो पहले थैले से निकाली गई होगी और वह गेंद लाल रंग की होगी। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आप लोगों को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्र छात्रावास में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। समझिएगा इसको, यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% हॉस्टल में रहते हैं और 40% हॉस्टल में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष यानी पिछले जो साल था, पिछले वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ग्रेड ए लिया, ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छिक चुना गया और यह पाया गया कि उसे ग्रेड ए मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वह छात्र छात्रावास में ही रहने वाला होगा? समझिए ध्यान से इसकी घटनाओं, पहले तो क्वेश्चन को समझ लेना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। देखिए पहली घटना छात्रावास की है, यानी पहली घटना यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे छात्रावास में रहते हैं, और दूसरी घटना यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे छात्रावास में नहीं रहते हैं। और फिर क्या कहा जा रहा है कि 30% छात्रावास में रहने वाले बच्चे ग्रेड ए लाए हैं और 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो छात्रावास में नहीं रहते हैं लेकिन ग्रेड ए लाए हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कोई एक स्टूडेंट है जो ग्रेड ए लाया है और वो हॉस्टल में ही रहता होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो देखिए हॉस्टल में रहने वाले की प्रायिकता को हम
P1 से रिप्रेजेंट करते रहे, PE1। और ये आपको दिया गया है 60%, यानी 60/100। तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 0.60 लिख सकते हैं। और दूसरा, हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, देखिए अलग अलग परिस्थितियां हैं, हॉस्टल में रहने की कंडीशन अलग है और हॉस्टल में न रहने की कंडीशन अलग है। जब ये दोनों घटनाएं असंयुक्त होंगी तभी बेज का प्रमेय लगेगा। अगर दोनों घटनाओं का एक दूसरे से रिलेशन हो जाएगा तो बेज प्रमेय नहीं लगेगा। तो अब देखिए, अब जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, तो जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, जो छात्रावास में नहीं रहते हैं, ऐसे 40% बच्चे हैं, तो 40% यानी 40/100, यानी ये हो जाएगा 0.40। अब देखिए क्या है, और फिर आपसे कहा जा रहा है छात्रावास में रहने वाले यानी पहले के लिए ग्रेड ए लाना। अब देखिए दो घटनाएं हो गई, छात्रावास में भी रहता है और ग्रेड ए भी लाता है। इसका मतलब कि ये हो जाएगा आपका PA/E1 हो जाएगा, क्योंकि पहली घटना छात्रावास के लिए है और ए जो है ग्रेड ए लाना है। तो अब इसकी प्रायिकता ये आपको दिया हुआ है 30%, ये 30% हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 30/100 0.30। और छात्रावास में नहीं रहते हैं वैसे 20% है जो ग्रेड ए लाते हैं, तो अब ये हो जाएगा आपका PA/E2। ए जो है ग्रेड ए लाना और E2 यह प्रदर्शित करता है कि ये छात्रावास में नहीं रहते हैं। E1 हमेशा छात्रावास में रहने वालों को प्रदर्शित करता है और E2 यह प्रदर्शित करता है कि ये छात्रावास में न रहने वाले हैं। और फिर ए जो है ये प्रदर्शित करता है कि ग्रेड ए लाए हैं। तो देखा जाए इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है 20%, ये 20% यानी 20/100 यानी 0.20। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि छात्र ग्रेड ए लाया है और छात्रावास में रहता होगा। ग्रेड ए लाया है और छात्रावास, जिसको हम E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि यहां भी आपसे PE1/A पूछा जा रहा है। अच्छा, यही पूछा जा सकता है कि इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि छात्र ग्रेड ए लाया है लेकिन वो छात्रावास में नहीं रहता है, क्वेश्चन बदला जा सकता है। तो उस स्थिति में PE2/A = यहां पर PE2 into PA/E2 हो जाएगा, यानी ये जो बाद वाली कंडीशन है यहां आ जाएगी, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। क्वेश्चन जैसा है उसके हिसाब से आपको चेंज करना होगा। तो अब ये आपसे पूछा जा रहा है, तो फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, बेज प्रमेय से लिख सकते हैं, यहां बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय हम अप्लाई ही कर रहे हैं। तो PE1 है 0.60 और PA/E1 है 0.30, और फिर अपान देखें ये हो जाएगा 0.60 × 0.30 और प्लस PE2 ये है 0.40 और इनटू PA/E2 ये है आपका 0.20। अब इसको सॉल्व कर ले हम लोग, सॉल्व कर लेंगे हम लोगों को आंसर मिलेगा PE1/A = देखें तो 36/18 हो जाएगा। तो अगर इस जीरो को हटा दे तो 0.2 कटेंगे या 0 बढ़ा देंगे तो 0.4 हो गए। और फिर यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0.1800 और प्लस इसको देखें 4×2 = 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.08 और फिर 20 हम कर सकते हैं। अब चलिए, अब जो है इसको कर दीजिए, ठीक है ना, 4×2 = 8
और दशमलव का दो अंक ले लीजिए। इस बाहर इस जीरो से ये जो लास्ट के जीरो हैं इनसे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर दशमलव के दो अंक, लेकिन इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखने के लिए ऐसा कर दिया गया, दो जीरो बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ भी वो हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लिखते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो ये हो गया 0.1800 और फिर यहाँ पर हम जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए क्या होगा 0.0886 हो जाएगा 6 और 1 और 1 और 1 2 हो जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे 10,000 से गुणा कर दें तो ऊपर 18 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 26। इसको हम जो है दो से चाहे तो कटा सकते हैं, तो दो से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 13, यानी ये हो जाएगा आपका 9/13। तो ये जो प्रायिकता होगी, यानी आपसे यही पूछा जा रहा था कि इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वह स्टूडेंट जो है हॉस्टल में ही रहता होगा और वह ग्रेड ए लाया होगा, इसकी प्रायिकता होगी 9/13। 9/13 का मतलब क्या, 13 लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, तो 13 में से 9 लोग ऐसे मिलेंगे जो हॉस्टल में रहते होंगे और ग्रेड ए लाए होंगे। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ आप सबको? तो हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप तैयार कीजिएगा, हमारी गारंटी है कि वेज थ्योरम से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है और ये 6 या 7-8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन आता है ये पूछा जाता है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। आगे के जो वीडियो होंगे, आगे के वीडियो भी पढ़ते रहेंगे और फिर अच्छी तरह से तैयारी किया जाएगा। आप सब लोग अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।